कांग्रेसियों के पूर्वजों का बनाया हुआ देश पाकिस्तान आज टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया। ऐसा क्या हुआ 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हिंदुस्तान में हुई कि ये देश आज इतना भिकमंगा कंगला हो गया कि आटा चावल भी अपने लोगों के लिए नहीं खरीद पा रहा, आज मोदी जी से गुहार लगा रहा कि हमारी मदद करिए। ऐसा क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन में कि विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 years इस देश की ये हालत हो गई। हम जितना भी इस बात को झुठला दें या हम अपनी आंखें बंद कर लें या सेक्युलर सेक्युलर खेलें, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो दहशत होती थी, जो मौतें होती थी, उनके लिए कहीं ना कहीं सिर्फ पाकिस्तान नहीं और भी इस्लामिक देश जिम्मेदार हैं, लेकिन ये पड़ोसी जी हमारे ज्यादा जिम्मेदार थे। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुई इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा मूव था। तो अब क्या कहेंगे राहुल बाबा जो पूरी इंडिया में देश जोड़ते घूम रहे हैं? दे दीजिए ना कुछ ग्रांट अपने पूर्वजों को, दीजिए ना, मदद कीजिए उनकी। आप तो सेक्युलर का एक पर्सोनिफिकेशन है। दोस्तों, आज दिल से एक हिंदुस्तानी की तरह मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने किया ना ये कोई नहीं कर सकता था। इस तरीके का डिसीजन लेना, पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाना, गालियां खाना लोगों की, सेक्युलर्स की बातें सुनना, वो देश पाकिस्तान जो फल फूल रहा था, हम हिंदुओं में कहते हैं ना फलो फूलो आशीर्वाद देते हैं, तो ये तो खूब 70 साल फला फूला, औरतें तो कुछ ज्यादा ही फूली इनके यहाँ। आज इसकी हालत धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट की हो गई है। कैसे हुआ ये? दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाना और पीएमओ को टैग करना। एक हिंदुस्तानी की आवाज जानी चाहिए देश के प्रधानमंत्री तक। और क्या आप भी इस बात में मेरे साथ हैं? और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, छोटी सी बात, कि मोदी जी ये सांप है, इनकी मदद मत करना। ये सांप है, सांप जो अपनों को डसने से नहीं छोड़ते, वो हमें क्या छोड़ेंगे। ये आज अपनी करनी भुगत रहे हैं और ये इंसाफ इनके साथ भगवान ने किया है। जय हिंद।